सर फ्रेंड्स, वेलकम टू यूज आर्क फिन बॉक्स। फ्रेंड, कल है 23 नवंबर। कल के लिए मैं स्टॉक बताऊं, कल मंडे है, कल के लिए कौन सा स्टॉक बाय करें आप, जिससे कि आपको 7 से 10% रिटर्न मिले। बट मैं समझता हूं 7 से 10% रिटर्न है, बट कल के लिए मैं स्टॉक बताऊंगा नहीं, 100% श्योर नहीं हूँ, 90% भी श्योर नहीं हूँ मैं कि कल के लिए स्टॉक जो बता रहा हूँ वो, क्योंकि वो 100% इंडिकेटर फॉलो नहीं कर रहे हैं। बट फिर भी कुछ लोग कैलकुलेटर रिस्क लेना चाहते हैं, तो फिर उन लोगों के लिए मैं नेस्ले इंडिया बताऊंगा कल, आप बाय कर सकते हो पावर ग्रिड। ठीक है, इसमें कुछ इंडिकेटर्स फॉलो नहीं कर रहे, इससे तो पहले इंडिकेटर्स तो फॉलो कर रहा है, 20 डे की मूविंग एवरेज से ऊपर है, मारा जो कैंडल बनी हुई है पिवट पॉइंट की लाइन से भी ऊपर है, तो फॉलो कर रहा है, RSI भी फॉलो कर रहा है ऊपर की तरफ, बट यहाँ पे MACD की ब्लैक लाइन है ये फॉलो नहीं कर रहा, बट फिर भी चांसेस है, सो ट्राई कर सकते हो नेस्ले इंडिया। दूसरा स्टॉक है पावर ग्रिड का, 191.85 रुपये चल रहा है यहाँ पर करंट प्राइस, और यहाँ पर 20 डे की मूविंग एवरेज से ऊपर है, मारबू जो कैंडल भी बनी हुई है, MACD की लाइन भी ऊपर है और RSI भी ऊपर, बट यहाँ पर क्या MACD की लाइन जो ऊपर है, ऊपर तो है ठीक है, बट यहाँ पर जो ट्रेंड बना हुआ इसको काफ़ी समय हो गया बुलिश ट्रेंड बने हुए, ठीक है, बट फिर भी हो सकता है कि ट्रेंड बना रहे, सो आप बाय कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग द वीडियो।